सिमरी थाने पर गुरुवार की शाम सेवानिवृत्त हुए अनिल जागेश्वर यादव का समारोह पूर्वक भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें पाक चादर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वे 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले वे सिमरी थाने में ही पदस्थापित थे। मौके पर थानाध्यक्ष शमशाद आलम खान ने कहा, सरकारी सेवा में योगदान देते ही पता चल जाता है कि हमें एक दिन सेवानिवृत्त होना है। कहा, पुलिस जैसे कठिन नौकरी के दौरान बेदाग सेवानिवृत्त होना कुशल व्यवहार का परिचायक है। हम लोगों उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वही समाज सेवी गोपाल प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जागेश्वर बाबू कभी भी पदाधिकारी नहीं बल्कि हमेशा एक अभिभावक के रूप में पेश आए। जिस तरह से वर्षों यहां सेवा देकर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कला इनमें कुट कुट कर भरा था। अपने मृदुल भाषा व कुशल व्यवहार के कारण ही सबों के चहेते बने रहे। वही यानी जागेश्वर यादव ने कहा कि सेवा के दौरान बहुत जिला व थाने में अपना सेवा दिया, लेकिन जो प्यार व मान सम्मान यहाँ के लोगों द्वारा मिला उसका मैं सदैव ऋणी रहूँगा। कहा, जो सम्मान आप लोग ने दिया है उसे शब्दों में ब्याज नहीं कर सकते हैं। मौके पर मुखिया दिनेश महतो, मनोज सिंह, फैजान अहमद, अनी प्रियंका कुमारी, सनी सूर्य भी यादव, भरत राय, अजीत पासवान, सुमित, लक्ष्मण यादव आदि मौजूद थे। जो भी पुलिस का कार्य होता है, पब्लिक का कोऑपरेट होना बहुत जरूरी है। अपने मन से काम करना एक अलग बात पुलिस प्रशासन में होता है, लेकिन कहीं कहीं मामला को पब्लिक से भी जुड़ा रहता है, उससे ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ता। वो देखने को मिला कि हमारे फैजान जी, मुखिया जी हैं, गोपाल बाबू हैं, अजय बाबू हैं, बुजू जी, सब तमाम व्यक्ति जितने भी थे, वो भी समस्या को कहने पर एक सेकंड में या सुन जाते थे, वहाँ पर उपस्थित होकर समस्या का सॉल्व करते थे। क्या कहना चाहेंगे छोटे बाबू, जागेश्वर बाबू हमारे थाना में लगभग 3 वर्षों से ऊपर से थे, और आज का दिन जो है एक तरह से खुशी का भी दिन कहा जाए, और विदाई समारोह पे हम लोग को छोड़ के जा रहे, तो हम लोग के लिए दुख का भी दिन है कि हम लोग को छोड़ के इस थाना क्षेत्र से एक भले पदाधिकारी, एक जनहित पदाधिकारी जो समाज थाना के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ समाज के साथ भी सरोकार रखते थे, गार्जियन थे, अभिभावक थे, एक अच्छे पदाधिकारी में गिनती थी, उनकी कमी हम लोगों को खलेगी। तो लेकिन थाना परिसर में आम लोगों के द्वारा, थाना के सभी कर्मी, थाना पदाधिकारी के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों का सराहनीय सहयोग रहा, और मैं उनके सकुशल जीवन के लिए अंत जो आने वाला समय है उनके कार्यकाल के, जीवन काल के लिए हम लोग चाहेंगे वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने परिवार के साथ शांति समृद्धि के साथ सुख शांति से अपना जीवन यापन करें और अपना जीवन को व्यतीत करें। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत सिन्हा हुआ और सिमरी हुआ, और जागेश्वर बाबू का आज सेवानिवृत्ति विदाई समारोह था। जागेश्वर बाबू हमारे क्षेत्र के बहुत ही सुलझे हुए और ईमानदार पदाधिकारी के छवि में रहे हैं, और इनकी सेवानिवृत्ति से हम लोग काफ़ी दुखी हैं, लेकिन क्योंकि ये नौकरी है, जो आया है सेवा में उसे सेवानिवृत्ति बनाई है, लेकिन हम लोगों को बराबर इनकी कमी खलती रहेगी। इनके अनुभव से हम लोगों ने बहुत लाभ उठाया।